पश्येमाक्षवीर्यजत्राहा यदायुः स्वस्ति न इन्द्र वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके पंचम प्रश्न का विचार कल संपन्न पूरा हो गया था। अब ये षष्ठ प्रश्न का विचार आरंभ होना है। तो यहाँ तक के जो पांच प्रश्न आए, इनमें शुरुआत में तो पहले प्रजा की उत्पत्ति आदि के विषय में प्रश्न किए थे, फिर इसके बाद प्राण की श्रेष्ठता आदि का निर्धारण करके प्राणोपासना का विधान किए। प्रारंभिक तीन प्रश्नों में जो संसार की स्थिति, सांसारिक फल आदि का कथन करके वो अनित्य है ये सब बता करके जिज्ञासु में अधिक योग्यता का आपादन किया गया। वही वैराग्य में अगर कमी हो तो थोड़ा संसार के भी, सांसारिक फलों का, अनित्य फलों का भी निरूपण करके वहाँ से वैराग्य उत्पन्न किया जाए। इसके बाद फिर चतुर्थ प्रश्न में वहाँ पे शुद्ध तत्व का निरूपण हुआ, अवस्थाओं का परिशोधन की, अवस्थाओं से जो है उसका शोधन करके शुद्ध तत्व का निरूपण किया गया। और पंचम प्रश्न में भी जो कोई मंद अधिकारी है तो उपासना ओंकार उपासना बता दी, उसके द्वारा दोनों प्रकार के फल दिखाए, पर ब्रह्म की प्राप्ति, अपर ब्रह्म की प्राप्ति, ये सब बता दिया गया। अब यहाँ पे आरंभ हो रहा है षष्ठ प्रश्न, जो कि अंतिम जो ऋषि बचे हुए सुकेशा भारद्वाज वो यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे। तो पहले इसका संबंध जो है, ये जो षष्ठ प्रश्न है उसका पंचम प्रश्न के साथ क्या संबंध है, तब इसको यहाँ संबंध दिखा रहे हैं। टीका में देखिए पहले पेज नंबर 80। गता कला पंचदश प्रतिष्ठा, जो 15 कलाएं हैं वो प्रतिष्ठा में, अधिष्ठान में विलीन हो जाती है, केवल एक कला जो है रह जाती है ज्ञानी की, नाम रूपी कला। ज्ञानी के जो है विदेह मुक्त हो गए तो भी नाम बहुत समय तक चलते रहता है कि वो वामदेव जी मुक्त हुए, भगवान शंकराचार्य मुक्त है, और वेदव्यास जी मुक्त हुए, सुखदेव जी मुक्त हुए, ये जो नाम रूपी कला रह जाती है। यद्यपि ज्ञानी की दृष्टि से वो कला नहीं है, किंतु अन्य लोगों की दृष्टि से वो नाम रूपी कला रह जाती है। इसलिए लोग नाम के लिए भी बहुत प्रयत्न करते हैं कि हमारा भी नाम बना रहे। तो गता कला पंचदश प्रतिष्ठा, ये जो 15 कलाएं हैं ज्ञानी की, प्रतिष्ठा अधिष्ठान में विलीन हो जाती, केवल एक कला नाम रूपी कला रह जाती। कर्माणि विज्ञानमयस्य देवता परिव्यय सर्व, देखो पूरा मंत्र है उसी का दो, एक ही मंत्र है ये 3-2-7 मुंडक, किंतु उसके उसी मंत्र के प्रथम पाद और तृतीय पाद को लेकर के यहाँ दे दिए हैं। गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवता से कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे व्यय सर्व एक ही भवंती, पूरा ये मंत्र है।
कर्म है, विज्ञान उपाधि वाला जीव सब जो है उपाधि के विलीन होने से उसका भी विलय हो गया। इति मंत्रे कर्म भी स षोडश कालानां परस्मिन् लयम् उक्त्वा। कर्मों के सहित जो 16 कलाएं हैं, अब 16 कलाएं तो यही प्रश्नोपनिषद में ही आ रही है, क्या जाएगा तीसरे मंत्र से। प्राण, सबसे पहले प्राण की उत्पत्ति हुई, प्राण से लेकर के अंतिम वो नाम रूप नाम तक की कलाएं जितनी है सब, मतलब 16 कलाएं यहाँ दिखाएंगे। तो उसमें से हाँ, तो कर्म के सहित 16 कलाओं का परब्रह्म परमात्मा में लय बता करके, नाम रूपी कला तो रह जाती है किंतु ज्ञानी की दृष्टि से तो भी नहीं है, इसलिए कर्मों के सहित मिलकर के जो 16 कलाओं का परब्रह्म परमात्मा में लय को बता करके, फिर वहाँ एक दृष्टांत भी दिए मुंडक में, यथा नद्य सिंधमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्तः परात परम समुपैति दिव्य, इस तरह से आया है। तो जैसे नदियां बहते हुई समुद्र में विलीन हो जाती है नाम रूप को छोड़ करके, जो गंगा, जैसे गंगा नदी है समुद्र में विलीन हो गई तो उसको वहाँ समुद्र कहा जाएगा, गंगा नहीं कहा जाएगा। और गंगा जो दो धाराओं के बीच में, जो पाटों के, दो पाटों के बीच में गंगा जी बह रही है, इनका एक विशेष रूप है, वह रूप भी वहाँ समुद्र में नहीं दिखे क्योंकि समुद्र तो बहुत विस्तृत है। तो जैसे नदियाँ बहते हुए समुद्र में विलीन हो जाती है नाम रूप को छोड़ देती है, इसी प्रकार विद्वान नाम रूप से रहित होकर के परब्रह्म परमात्मा रूप हो जाते हैं। इति मंत्रेण, इस मंत्र के द्वारा दृष्टांतोक्ति द्वारा, इस मंत्र के द्वारा दृष्टांत कथन पूर्वक, दृष्टांत के कथन के माध्यम से परप्राप्ति रूपता, विद्वान की परब्रह्म की प्राप्ति, परमात्म रूपता का अनुभव। प्राप्ति क्या है? वह अनुभव कर लेना, यही प्राप्ति है। कोई कहीं आना जाना कहीं जा करके प्राप्त तो करना नहीं है, वो तो अनुभव कर लेना है, तो पर प्राप्ति कही गई। तो मंत्रयोर विस्तरा विधानार्थम, अब इन दोनों ही मंत्रों, ये जो दो मंत्र आए, सातवां मंत्र तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का सातवां मंत्र और आठवां मंत्र, इन दोनों ही मंत्रों का विस्तार से कथन करने के लिए षष्ठम प्रश्नम आरभते, षष्ठ प्रश्न का आरंभ करे अथ हैनम। इसके अनंतर ये जो पिप्पलाद महर्षि है इनको सुकेशा भारद्वाज ने पूछा। तो पहले सीधे मंत्र ही देख लीजिए, क्योंकि अथ हैनम की ज्यादा कोई व्याख्या नहीं है, और संगति जो बताएंगे वो आगे संगति आ ही जाएगा टीका में। पहले मंत्र देख लीजिए, मंत्र देखिए पहले। अथ हैनम सुकेशा भारद्वाज पप्रच्छ भगवन हिरण्यनाभ कौशल्यो राजपुत्रो मामुपेत्येतं प्रश्नम अपृच्छत। षोडश कलंग भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तमहं कुमारं अब्रुवं नाहम इमं वेद यद्यहम इमं अवेदिशम कथम ते नावक्षमिति समूलो वा एष परिशुष्यति यो अनृतम अभिवदत तस्मान् नार्हाम्यनृतं वक्तुं स तूष्णीं रथम आरुह्य प्रव्राज तं त्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुषः इति। अथ इसके अनंतर, ह प्रसिद्ध है एनम, एनम यानी पिप्पलादम, सुकेशा भारद्वाज पप्रच्छ, आप लोग जानते हैं पिप्पलाद आचार्य है और 6 ऋषि उनसे गए हैं उनकी सन्निधि में। तीस पिप्पलाद महर्षि से जो सुकेशा भारद्वाज नाम के ऋषि है उन्होंने प्रश्न पूछा। तो क्या पूछे, तो बता रहे पहले कि कथानक बता रहे कि मुझे जो है ये
इस प्रश्न को मुझसे भी किसी दूसरे ने पूछा था और मुझे पता नहीं चला, मुझे मालूम नहीं था, और इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये प्रश्न मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बोल भगवान हिरण्यनाभ, हे भगवान, भगवान यानी हे ऐश्वर्यशाली गुरुदेव, गुरु के पास तो सब चीज है, क्या कमी है? ज्ञानी के पास क्या, कौन से ऐश्वर्य की कमी होती? भग यानी ऐश्वर्य, भगवान होता है ना, भगवान बोलते हैं, भगवान यानी ऐश्वर्य वाले, षडविध ऐश्वर्य से संपन्न। ऐसे ज्ञानी भी ईश्वर से अभिन्न है, वो भी ऐश्वर्य से कम, ऐश्वर्य में कम तो नहीं है, ज्ञान से बढ़कर के क्या ऐश्वर्य है? इसलिए हे भगवान, हे पूजनी, हिरण्यनाभो, हिरण्यनाभ कौशल्यो राजपुत्रो, एक हिरण्यनाम नाभ नाम का राजपुत्र, राजकुमार था, कौशल देश का रहने वाला, इसलिए कौशल्य, कौशल देशे भवति कौशल्य, कौशल देश का निवासी हिरण्यनाभ नाम का जो राजकुमार है, माम उपेत्ते एतं प्रश्नम अपृच्छत, मेरे पास आकर के इस प्रश्न को उन्होंने पूछा, उस राजकुमार ने पूछा। अब देखिए, राजकुमार है, बालक है, तो भी बहुत जबरदस्त प्रश्न कर रहे हैं। कई आजकल भी कई बच्चे कुछ होते ऐसे कि बड़ा मतलब उत्कृष्ट प्रश्न पूछते हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं, बहुत तो नहीं, कोई कोई। ऐसे एक बालक पूछा, महाराज जी आप भगवान को देखे है क्या? ऐसे मतलब वो लोग भी ये सब थोड़ा कभी कुछ संस्कार है तो इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। तो हिरण्यनाभ नाम के जो है कौशल देश के जो राजकुमार थे, उन्होंने मुझसे पूछा, माम उपेत्य एतं प्रश्नम अपृच्छत, मेरे पास उपेत्य, देखो उपेत्य मतलब विधिवत आकर के, ऐसा नहीं गा करके उद्दंडता से, महाराज क्या हाल चाल है, कुछ जानते उनते हो कि नहीं, इस तरह से नहीं, बल्कि अगर किसी महापुरुष से पूछना, कुछ ज्ञान लेना है तो बड़े विधिवत जो है शिष्टाचार पूर्वक जाना पड़ेगा। तो मेरे पास जो है विधिवत आकर के, शिष्यत्वेन मेरे पास आकर के एतम प्रश्नम अपृच्छत, इस प्रश्न को पूछा। षोड़श कलंक भारद्वाज पुरुषं वेत, हे भारद्वाज मुनि, क्या आप षोड़श कल पुरुष को जानते हो? षोड़श कला यस्य, तो क्या उस 16 कला वाले पुरुष को जानते हो? अब इन्होंने सोचा है कि क्या होना है, 16 कल वाला पुरुष नहीं जान पाए थे, नहीं जानते थे पहले से, इसलिए तम अहम कुमारम अब्रुवन नाहम इमम अवेद इमम वेद, मैंने उस कुमार राजकुमार से कहा कि देखो हे राजकुमार, मैं इसको नहीं जानता, उस 16 कल पुरुष को नहीं जानता। तो ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन वो राजकुमार सोचा कि लगता है मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, बताना नहीं चाहते, इसलिए वो खड़े रहा वहाँ पे मेरे सामने। तो फिर मैंने उसको विश्वास दिलाने के लिए कह दिया, यदि अहम इमम अवेदिसम कथम तेना वक्षमिति, यदि मैं उसको जानता होता तुम्हें क्यों नहीं कहता, क्योंकि तुम श्रद्धा से युक्त होकर के आए हो। देखो विद्या उसी से छिपाई जाती है जो अनधिकारी है, विद्या का अगर अधिकारी पुरुष है तो उससे विद्या को छिपाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, अनधिकारी है तो उससे जो उसको नहीं बताया जाएगा, लेकिन अधिकारी है तो उसे बताया जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम राजकुमार इतने जिज्ञासु होकर के विधिवत शिष्टाचार पूर्वक आए हो तो मेरी बात पे विश्वास करो, यदि मैं जानता होता तो तुमसे क्यों नहीं बोलता, इसलिए मैं नहीं जानता हूं, इसलिए तुमसे नहीं बता रहा हूं। फिर भी उसको विश्वास नहीं हुआ, ऐसा बोलने पर भी उसे विश्वास नहीं हुआ कि अरे कैसे कैसी भी इतने बड़े ऋषि हैं, इनको नहीं पता होगा, इतने बड़े ऋषि इनको कैसे नहीं पता होगा।
ने समूह, तो फिर उन्होंने एक जो है संकल्प बताया, एक जो है एक नियम बताया, समूलो वायस परिशिष्यति यो अनृतम अभिवदत। वो व्यक्ति मूल के सहित समूल नष्ट हो जाता है, सूख जाता है जो झूठ बोलता है। झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए, यानी उसका जितना कर्म है, धर्म है, जितना भी पुण्य आचरण है, सब के सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई मीमांसा आप लोग पढ़ रहे हैं, उसमें आता है यजेता स्वर्ग काम ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेता दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता। कितना भी विधिवत याद कर ले, अगर व्यक्ति झूठ बोलने वाला है तो उसे स्वर्ग लोक नहीं मिलेगा, उसे तो मनुष्य लोक ही नहीं मिलेगा, स्वर्ग तो दूर की बात। इसलिए वो समूल नष्ट हो जाते, उसके सब धर्म कर्म सब बेकार हो जाते हैं। एष यो अनृतम अभिवदत, जो झूठ बोलता है। तस्मा नारहाम्य अनृतम वक्तुम, इसलिए मैं झूठ बोलने के योग्य नहीं हूँ, मुझे इस नियम मालूम है, शास्त्र की बातें मालूम है, मैं कैसे झूठ बोलूँगा तुमसे। अब जो है ऐसा जब उन्होंने प्रतिज्ञा की तो राजकुमार को विश्वास हो गया कि हाँ ये ऋषि अब ठीक बोल रहे हैं। पहले उसको विश्वास ही नहीं हो रहा, बताओ इतने बड़े आदमी को नहीं पता होगा। इतने बड़े आदमी, जैसे कोई आप जो है कोई व्याकरण की समस्या हो और किसी बहुत बड़े वैयाकरणाचार्य जिनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बड़े वैयाकरणाचार्य के पास गए, महाराज जी जरा ये बता दीजिए, कोई पास पूछे और वो ना बताए तो आपको खुद ही आश्चर्य होगा, इतने बड़ा महात्मा, इतने बड़े वैयाकरणाचार्य व्याकरण की बात नहीं बता पा रहे। ऐसे उसको जो है राजकुमार को बहुत जो है आश्चर्य हो रहा था, कैसे कैसे इन्हें नहीं पता होगा। लेकिन जब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो समूल नष्ट हो जाता है, इसलिए मैं झूठ बोलने के योग्य नहीं हूँ, तब उसे विश्वास हो गया राजकुमार को, हाँ ये ठीक बोल रहे। स तूषणीम रथम आरुह्य पब्रव्राज, अब वो शांति से स्वयं लज्जित हो गया, स्वयं लज्जित होकर के स्वयं जो है रथ पे बैठ करके, रथ पे आरूढ़ प्रणाम करके, रथ पे आरूढ़ होकर के पब्रव्राज चले गया वहां से। तो वही बात मेरे हृदय में आज तक चुभ रही है, ऋषि ये जो है बताना चाहते वो अभी तक मेरे हृदय में चुभ रही है। तं त्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुषैत, उसी प्रश्न को मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वह पुरुष कहाँ रहता है, कहाँ पे मिलेगा वह, कहाँ रहता है वह पुरुष, कहाँ पे उसको खोजा जाए, वह षोड़श कल पुरुष कहाँ रहता है, कहाँ उसकी खोज की जाए, कहाँ गवेषणा करे। देखो ये बात, अच्छा यही पे आएगा क्या, शायद मुंडक मुंडक में आया है, यावत जिज्ञासितम न ज्ञायते तावत हृदि सल्यवत अवभासते। अच्छा यही पे, हाँ ये तो आ रहा है टीका में आएगा यहाँ, कि जब तक जिज्ञासित वस्तु को हमें ज्ञान न हो जाए तब तक हृदय में चुभते रहता है, क्या होगा, कैसे क्या क्या होगा। तो जिज्ञासित वस्तु को व्यक्ति जो है जानने के लिए बहुत प्रयत्न करता है। जैसे हम लोग ही कोई अभी शास्त्र में पठन पाठन चलता है, अब कोई बात फंस गई तो दिन भर दिमाग में वही घूमते रहेगी, उसका समाधान जब तक नहीं मिलेगा तो दिन भर दिमाग में वही घूमते रहेगा, क्या क्या है क्या है क्या है। इसलिए वही पूछ दे कि वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो वह जो षोड़श कल पुरुष है कहाँ रहता है, ये आपसे यही प्रश्न मैं पूछता हूँ। देख लीजिए टीका में आगे देखिए, अथयनम अथयनम षष्ठम प्रश्न आरभते अथयनम इति भाष्य में देखिए, अथयनम सुकेशा भारद्वाज पप्रच्छ। अब इसके अनंतर पिप्पलाद महर्षि को सुकेशा भारद्वाज ने प्रश्न किया। टीका में आगे, तस्य पूर्वेण संगति मुक्तार्थानुवाद पूर्वकम। अभी जो षष्ठ प्रश्न है, तस यानी षष्ठ प्रश्न, पूर्वेण पूर्व के साथ में संगति, भाई पांच प्रश्न से ही अगर काम चल जाता
तो षष्ठ प्रश्न का निरूपण करने की क्या आवश्यकता थी। इसलिए पांच के बाद जो षष्ठ का आरंभ कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो संगति होगी, इसलिए उस षष्ठ प्रश्न का पूर्व के साथ जो संगति है उक्तार्थानुवाद पूर्व का, ऊपर कहे गए पूर्व में कहे गए अर्थ के अनुवाद पूर्वक वो संगति को यहाँ पे बता रहे पांचवे के साथ। समस्तम भाष्य में देखिए, समस्तम जगत कार्य कारण लक्षणम, ये पूरा का पूरा जो जगत है कार्य कारण स्वरूप वाला है, ये कार्य कारण स्वरूप वाला जो जगत है वो सब बताया गया, वह कहाँ पे विलीन हो जाता है। पेज नंबर 67 पेज सब आ चुका है, विज्ञान आत्मा सह देवस्य सर्वे प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरं वेदयति यस्तु सौम्य स सर्वज्ञ सर्वमेवा विवेशेति। पेज नंबर 67 पे वो मंत्र में आ चुका है। तो जो विज्ञान कार्य कारण लक्षण कार्य कारण रूपी जो यह संपूर्ण जगत है, विज्ञान आत्मा जीव के सहित पूरा का पूरा ये जगत परस्मिन अक्षरे सुसुप्ति काले संप्रतिष्ठते, उस पर अक्षर में परमात्मा में सुसुप्ति काल में सम्यक रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है, ये वहाँ पे चतुर्थ प्रश्न के आखिरी में बताया गया इति उक्तम। तो अब ये सुसुप्ति में नित्य प्रलय में जब लीन हो रहा है तो नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रलय में तो विलीन होगा ही, है ना, ये तो अपने आप आ रहा है। देखिए, अक्षरस्य कारणत्व सिद्ध्यर्थम प्रलयेपि तस्मिन्नेव लयमः, ये जो अक्षर है पूरे जगत का कारण है, वही शुद्ध परमात्मा माया से विशिष्ट होकर के जगत कारणत्व की प्राप्ति कर लेता है, जगत के कारण बन जाते हैं। तो जो अक्षर में कारणत्व की सिद्धि के लिए प्रलयेपि तस्मिन्नेव लयमः, प्रलय काल में भी उसी में लय बता रहे, क्योंकि जिस कार्य का जिसमें लय होता है वही कारण होता है। भाई सुवर्ण का आभूषण से बना आभूषण का सुवर्ण में लय होगा तो उसका कारण सुवर्ण है, रजत नहीं है क्योंकि वो रजत में लय नहीं हो रहा है, तो जिस में लय हो रहा है वही कारण होता है। इसलिए कारणत्व की सिद्धि के लिए प्रलय काल में भी उसी अक्षर में ही पूरा जगत विलीन होता है, इसको बता रहे तस्मिन् एव लयमः सामर्थ्यात्। भाष्य में द्वितीय पंक्ति, सामर्थ्यात् प्रलयेपि तस्मिन् एव अक्षरे संप्रतिष्ठते जगत्। सामर्थ्य से कि भाई कारण को छोड़ करते के तो जाएगा नहीं, इसलिए प्रलय काल में भी उसी अक्षर में ही पूरा का पूरा जगत संप्रतिष्ठित हो जाते, इसलिए वो अक्षर कारण है। तथा ये उत्पद्य थे, इसलिए उसी अक्षर से ही यह पूरा जगत उत्पन्न भी होता है। इति सिद्धं भवति, ये बात सिद्ध हो गई, निश्चित हो गई। टीका में देख लीजिए, लयाधारत्वेन कारणत्वम, क्योंकि वह जगत के लय का आधार है अक्षर पुरुष, इसलिए वह जग सबका कारण है। तो तथा ये वह उत्पद्यते, पूरा का पूरा जगत उसी से उत्पन्न होता है। तदुक्ते प्रयोजनम, ऐसा कथन करने का प्रयोजन क्यों हुआ, तो बता दिए कि जो जगत है उसी से उत्पन्न होता है। अच्छा आगे आगे आ रहा है, नहीं भाष्य में आगे देखिए, नह्य कारणे कार्यस्य संप्रतिष्ठानम उपपद्यते, जो कारण नहीं है उसमें कार्य की संप्रतिष्ठा लय नहीं हो सकता, कारण में ही कार्य का लय होता है। उक्तम च कहा भी गया है पूर्व में तृतीय प्रश्न में, आत्मना ऐसा प्राणो जायते, आत्मा से ही प्राण उत्पन्न होता है और प्राण सब उसी में विलीन हो जाएगा, तो कारण में ही कार्य जा करके विलीन होता है। तो ऐसा कथन करने से क्या मिला, तो बोल रहे जगतस्य यन मूलम, जगत का जो मूल है, पहले मूल कारण क्या है मालूम पड़ जाए, तो जो जगत का मूल है तत्परिज्ञानात् परं श्रेयः, उसी मूल के ज्ञान से ही परम श्रेय होगा, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की सिद्धि। भाई मूल को ही जान लो, वृक्ष में पानी देना है तो जड़ में पानी दे दो पूरे वृक्ष को ही पानी मिल जाएगा, डाली में पत्ते में फल में
कहाँ कहाँ आप जल सिंचन करोगे, जल सेचन कहाँ कहाँ करोगे, उसके जड़ में डाल दो तो पूरे वृक्ष को ही पानी मिल गया। ऐसे ही पूरे जगत का जो मूल है, उस मूल को हम जान लिए तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान। तो जगतश्च यन मूलं तत्परिज्ञानात् परम श्रेयः। जगत का जो मूल है उसके परिज्ञान, अच्छी तरह से ज्ञान यानी अपरोक्ष ज्ञान, उस अपरोक्ष ज्ञान से ही परम श्रेय, परम कल्याण, आत्यंतिक श्रेय की प्राप्ति होती है। इति सर्वोपनिषदां निश्चितो अर्थ। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ, ये सभी उपनिषदों में निश्चित अर्थ है, सभी उपनिषदों में निश्चय किया हुआ, निश्चय की गई बात है, इसलिए कोई मन अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, ये तो शास्त्र का सिद्धांत है। टीका में देख लीजिए। यद्यपि अद्वितीय आत्मज्ञानात् मुक्तिर् न कारण ज्ञान। बोले यद्यपि तो अद्वितीय आत्मा के ज्ञान से मुक्ति है, कारण के ज्ञान से तो मुक्ति नहीं है। तथापि, फिर भी परम श्रेय कैसे होगा उस कारण के ज्ञान से। तथापि तस्य कारणत्वे तद व्यतिरेकेण कार्याभावात्। वही जो परम पुरुष परमात्मा जब जगत का कारण है तो कारण के अतिरिक्त तो कार्य होता नहीं है, इसलिए तद अद्वितीयत्वम अद्वितीयत्व ज्ञानम सिद्ध्यति। जब कारण से अतिरिक्त कोई कार्य नहीं, पूरा जगत जो है परब्रह्म परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है, तो एक अद्वितीयत्व में तो हम निश्चित केंद्रित हो ही जाएंगे, इसलिए तद अद्वितीयत्व ज्ञानम सिद्ध्यति। अद्वितीयत्व ज्ञान सिद्ध हो जाए क्योंकि माया के माध्यम से जगत उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह कारण से अतिरिक्त नहीं है और वास्तव में कारणत्व भी कल्पित है, तो शुद्ध में पहुंच जाएंगे। अद्वितीयत्व का ज्ञान हो गया, अद्वैत रूपता का ज्ञान हो गया, फिर इससे सिद्धति। इति तादृश आत्मज्ञानात् परम श्रेयः। इस प्रकार के आत्मज्ञान से सबसे उत्कृष्ट श्रेय, चतुर्थ पुरुषार्थ जिसे कहा जाता है, मुक्ति, उसकी प्राप्ति हो जाती है। इसमें भी देखिए कई वाक्य प्रमाण दे रहे हैं, सभी का जो है थोड़ा सम्मति दिखाया दिखाई जाती है। आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत, ऐतरेय उपनिषद में आया है, सृष्टि से पहले एक आत्मा ही था, नाम रूप आदि नहीं था, नाम रूप बाद में कल्पित हुए, इसलिए पूरा उससे अभिन्न है। स एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततमम अपश्यत, ये जो व्याप्ततम है इसी पुरुष को उसने जाना गुरु के उपदेश से। प्रज्ञानं ब्रह्म, प्रज्ञान, प्रज्ञान शब्द का अर्थ अभी पंचदशी में आया था, जो पंचम प्रकरण महावाक्य विवेक प्रकरण में वहाँ बता दिए थे कि वृत्त्युपहित जो चैतन्य है वही प्रज्ञान है। एक ही चैतन्य नाना प्रकार की वृत्तियों में अभिव्यक्त होकर के नाना रूप वाला, नाना नाना प्रकार से अभिव्यक्त हो रहा है नाना प्रकार की वृत्तियों में। ये नेक्षते शृणोति इदम, जिसके द्वारा देखता है, जिसके द्वारा सुनता है, यानी चक्षु संयुक्त अंतःकरण वृत्ति के द्वारा, तो यानी वृत्ति उपहित चैतन्य के द्वारा, वृत्ति तो जड़ है, तेजो यही प्रज्ञान है। एक ही प्रज्ञान, एक ही चैतन्य है, वो नाना प्रकार की वृत्तियों में अभिव्यक्त होकर के विषयों का अनुभव कर रहा है, तो ये प्रज्ञान ही ब्रह्म है। स एतेन प्राज्ञेन आत्मना अमृत समभवत, वह इसी प्राज्ञ आत्मा के द्वारा यानी उस आत्मा को जान करके ही अमृत स्वरूप हो गया। सदैव एकम एकमेव अद्वितीयम, वह सद है, एक है, अद्वितीय है, स्वगत निज सजाति विजाति भेद से रहित है। इत्युपक्रम्य, इस तरह से आरंभ करके छांदोग्य में आचार्यवान पुरुषो वेद, जो शोभन आचार्य वाला है वही पुरुष आत्मा को जान सकता है। और मुंडक में भी उपाधि अथ संपत्ति से तमेव एकम जानथ, अच्छा अथ संपत्ति से छांदोग्य में आया, ज्ञान होने के बाद विदेह मुक्ति हो जाती है। और तमेव एकम जानथ, उस एक आत्मा को ही जानो,
अमृतस्य से सेतु, यही अमृतत्व का हेतु है, सेतु है, प्रापक है। बृहदारण्यकम् ब्रह्मास्मि इति तस्मात् सर्वम् अभवत्। इसने अपने को ब्रह्म रूप से जाना, उस ज्ञान के बल से वह सर्वात्मक हो गया। इत्यादिषु निश्चितम् इत्यर्थ, इत्यादि श्रुतियों में यही निश्चित अर्थ है कि उस कारण के ज्ञान से परम श्रेय, सबसे बड़ा श्रेय। यहापि तादृक आत्मज्ञानादेव सर्वात्म भाव श्रेय उक्ता। और केवल अन्य जगह कहा गया, यहाँ पे नहीं कहा गया है, ऐसी बात नहीं, यहाँ भी वही बात कही गई। यहाँ पे भी उस प्रकार के आत्मज्ञान से सर्वात्म भाव रूपी श्रेय कहा गया है। इत्या इसी बात को दिखा रहे अनंतरम, अनंतरम आगे मुंडक में कहा गया, अनंतरम चोक्त चोक्तम स सर्वज्ञ। अच्छा यहाँ मुंडक में नहीं, यही पे तृतीय चतुर्थ प्रश्न के अंतिम में, ये जो मैं बताया था ना पेज नंबर 67 पे, 67 पे ही दे दिए थे, स सर्वज्ञ सर्वो भवत्। बस ज्ञान से हाँ सर्वज्ञ सर्व विवाह विसंति, और इसके पहले आया था 66 पे स सर्वज्ञ सर्वो भवत्। इसके बाद ये भी कहा गया, तो उस एक कारण के ज्ञान से सर्वज्ञता आ गई, वही सर्वात्मक हो गया। वक्तव्यम च क्व तरहि तदक्षरम सत्यम पुरुषाख्यम विज्ञेयम। अब यहाँ ये भी वक्तव्य प्राप्त हो रहा है कि वह जो पुरुष है जिसके ज्ञान से सर्वात्मक हो गया, वह कहाँ पे है, कहाँ पे उसको जानना चाहिए। उस अक्षर जो सत्य है, पुरुषाख्यम पुरुष संज्ञक वो जो अक्षर है, उसको कहाँ पे जाने, क्या वैकुंठ लोक में जाके जाने कि कैलाश लोक में जाके जाने, ब्रह्मलोक में जाके जानना है, कहाँ पे उसको जो है हम जान ले, ये कहना चाहिए। तदर्थ अच्छा टीका में देख रहे हैं, वृत्तम अनुद्य वर्तिष्यमाणमः, जो अभी तक घटित हुआ उसको बता करके, जो बातें पूर्व में आई थी उसको उसका अनुवाद करके, वर्तिष्यमाण जो आगे कही जाएगी, इसको कह रहे हैं कि आगे ये बताना है कि वह पुरुष आखिर है कहाँ, कहाँ पे उसको जानना है, कहाँ पे गवेषणा करे। टीका में आगे तदर्थो यं प्रश्नो आरभ्यते, उसी के लिए कि कहाँ पे उसकी गवेषणा करनी, उसके लिए प्रश्न का आरंभ किया जा रहा है। टीका में देख लीजिए, तस्य शरीरांतस्थत्वोक्ति द्वारा, वो जो अक्षर पुरुष है वह शरीर के अंतस्थित है, इसलिए उसके शरीर के अंतस्थित है ऐसा कथन करने से यही सिद्ध करेंगे कि वह हमारी प्रत्येक आत्मा हमारा ही स्वरूप है, इसलिए कहीं उसको बाहर नहीं ढूंढना है, बल्कि हृदय में उसको अनुभव कर लेना है। हृदय में अनुभव, बाहर ढूंढते रहोगे बाहर के ज्ञान से मुक्ति नहीं, हृदय में ही प्रत्येक आत्म रूप से जाने, वह ब्रह्म मैं हूँ इस ज्ञान से मुक्ति, वह ब्रह्म बाहर है, बाहर है वो सब जगह है, और अपने आप को अलग करके जानोगे इस ज्ञान से मुक्ति नहीं। इसको यहाँ यही बताएंगे कि शरीर के अंतस्थित है, इसलिए वो हमारी प्रत्येगात्म परमात्मा है, हमारा स्वरूप है, प्रत्येगात्म स्वरूप है, सर्वांतर स्वरूप है। तो उसमें प्रत्येगात्मत्व के ज्ञान के लिए यह षष्ठ प्रश्न का आरंभ किया जा रहा है। बोले ठीक है ये बात तो सही बताए, लेकिन एक घटना संप्रतिष्ठित, तो संप्रति वैसे देखिए वहां पे आए संप्रतिष्ठते है ना, किंतु मंत्र में तो संप्रतिष्ठते आया है, और यहाँ पे उसका जो है निष्ठा प्रत्यय करके संप्रतिष्ठित ऐसा कर दिए है, अर्थ समान है, लेकिन ये मंत्र में तो संप्रतिष्ठते कोष्ठक वाला आया है, और यहाँ पे उसको कि कहाँ पे संप्रतिष्ठित हुआ ये कहा गया, मतलब पूरा उसी में संप्रतिष्ठित हो गया है, वहाँ तो वर्तमान काल का प्रयोग किए है संप्रतिष्ठित होता है, और यहाँ संप्रतिष्ठित हुआ है, थोड़ा सा अंतर और क्या है। चलिए देखिए आगे, तो यहाँ ये बता रहे कि भाई जो है ठीक है ये बातें सही है,
कि वो प्रत्येगात्म रूपता की वो हमारा स्वरूप है, इसकी सिद्धि के लिए षष्ठ प्रश्न का आरंभ किया जा रहा है, लेकिन एक कहानी क्यों बता रहे कि राजकुमार मेरे पास आया था, मुझसे प्रश्न पूछा, मैं बता नहीं पाया, वही प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कहानी क्यों बता रहे? बोले वृत्तान्वाख्यानम, ये जो घटित है उसका पश्चात कथन, किस लिए कथन किया जा रहा है वो घट, उस घटना का विज्ञान से दुर्लभत्व ख्यापने, या जो विज्ञान है अत्यंत तो दुर्लभ है, बड़े बड़े लोग जो अभी कठिन है, इसलिए वो लोग भी उसको जानने के लिए, देखो कितना यहाँ पे ऋषि लोग उस तत्व को जानने के लिए एक साल तक वहाँ पे जाके रहे, ऋषि लोग गए, ये भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, साधारण व्यक्ति होता तो बोलते भाई 200-400 साल रहो, जैसे वहाँ पे इंद्र और विरोचन, इंद्र तो 101 वर्ष तक रहे। तो विज्ञान की दुर्लभता का ख्यापन करने के लिए वो घटना का अनुकथन हो रहा है। तल, इसलिए इससे क्या द्योतित हो रहा है कि तल लब्ध्यर्थं मुमुक्षुणां यत्न विशेषोत्पादनार्थं, उसकी प्राप्ति के लिए मुमुक्षुओं को यत्न विशेष की उत्पत्ति करने, उत्पादन कराने के लिए मुमुक्षुओं को बहुत यत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब सरलता से मिल रही है तो जब चाहे तब पाठ में आ गए, जब चाहे तब कुछ भी, कभी आए कभी नहीं आए, ये नहीं, थोड़ा निष्ठा से करना पड़ता है, और नहीं तो दूसरा कोई रुचि हो तो दूसरा करे। तो मतलब ये मुमुक्षुओं में यत्न विशेष के उत्पादन के लिए कि भाई विज्ञान बहुत दुर्लभ है, इसलिए बहुत यत्न करके हमें प्राप्त करना है, इसको दिखाने के लिए कथानक आ गया है। तो देखिए जो पूछे, हे भगवान, हे ऐश्वर्यवान गुरुदेव, हिरण्यनाभो नामतः, राजकुमार का नाम था, नाम से जो हिरण्यनाभ है, और कौशलायां भव कौशल्यो, कौशल देश का रहने वाला, अयोध्या कौशल देश का रहने वाला वो राजकुमार थे, कौशल्यो राजपुत्रो, राजा के पुत्र थे, जातितः क्षत्रियो, जाति से क्षत्रिय थे, तभी छत्री को ही राजा कहते हैं, राजा के पुत्र थे। तो माम उपेत्य उपगम्य एतम उच्यमानम प्रश्नम अपृच्छता, तो मेरे पास, मेरे समीप में आ करके जो आगे हम प्रश्न पूछ रहे, बता रहे हैं, उसी प्रश्न को पूछा, यानी प्रश्न को किया, प्रश्नम प्रश्न को का प्रश्न पूछा नहीं, प्रश्न को किया, इसलिए यहाँ टीका में दे रहे प्रश्नम यानी प्रष्टव्यम, इस प्रष्टव्य को पूछा, प्रश्न को पूछा नहीं, तो जो पूछा जाता है वही तो प्रश्न होता है, तो प्रश्न को पूछा मतलब प्रश्न को प्रश्न किया, तो प्रश्न का प्रश्न नहीं, प्रष्टव्य को पूछा, इसलिए प्रश्न का अर्थ कर दिए प्रष्टव्यम, पूछने योग्य वस्तु को पूछा, प्रष्टव्य को पूछा। षोडश कलम क्या पूछा? षोडश कलम पुरुषम वेद, षोडश कलश पुरुष को आप जानते हो, षोडश संख्या का कला अवयवा, इव आत्मनि अविद्याध्यारोपिता यस्मिन पुरुषे, देखो वैसे तो वह परब्रह्म निष्कल है, लेकिन माया की, माया से रचित उपाधियों को लेकर के कलावान सा मालूम पड़ रहा है। गीता में देखिए, भाष्य में शुरुआत में लिखे है, वह जो भगवान है अजन्मा है, लेकिन प्राणियों पे अनुग्रह करते हो, करने के लिए शरीर को धारण करने पर उत्पन्न हुए से जाता ही, उत्पन्न हुए से मालूम पड़ते हैं वास्तव में उनकी उत्पत्ति क्या, अनादिकाल से है, देहवान इति जहाँ, तो देहवान देहधारी जैसे मालूम पड़ते हैं, है तो है ना निर्विशेष निर्गुण निराकार ज्ञान स्वरूप, लेकिन वो प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए देहधारी जैसे मालूम पड़ते हैं, इसी प्रकार है तो निष्कल, वास्तव में तो तत्व तो निष्कल है, लेकिन माया की कलाओं के माध्यम से वह षोडश कल मालूम पड़ रहा है, 16 कलाओं है,
जैसे कोई नाटककार जो है नाटक में नाना रूप धर लेता है, ऐसे माया की कलाओं से वो षोडश कल मालूम पड़ रहे। तो षोडश कल मैंने षोडश संख्या का कला, कला करते थे अवयव, कला अवयवा इव आत्मनि, अवयव के समान कला यानी अवयव के समान जो आत्मनि अविद्याध्यारोपिता, अध्यारोपित रूपा, विद्या से आत्मा में अध्यारोपित जो अवयव स्वरूप है, तैसे अविद्या से अध्यारोपित 16 अवयव है यस्मिन पुरुषे, जिस पुरुष में स्वयं 16 कलह, वह पुरुष हो गए 16 कलाओं वाले, 16 कल पुरुष, वास्तव में तो निष्कल है। तं 16 कलम हे भारद्वाज पुरुषं वेत्थ विजानासी, हे भारद्वाज ऋषि, हे ऋषिराज, क्या आप उस 16 कला वाले पुरुष को जानते हो? इस तरह से उसने पूछ दिया राजकुमार ने। तो तम हम राजपुत्रम कुमारम पृष्टवंतम अब्रुवम, वो जो राजकुमार है, कुमार है, जिसने प्रश्न पूछा है, उससे मैंने कहा, अब्रुवम यानी उक्तवान अस्मि, मंत्र में तो आया अब्रुवम, उसका अर्थ है उक्तवान अस्मि, मैंने कहा, क्या कहा, नाहम इमं वेद यं त्वं पृच्छसि इति, मैं उसको नहीं जानता। किसको नहीं जानते? जिसको तुम पूछते हो उसी को नहीं जानता हूँ, तैसा मैंने तो बोल दिया सामान्य रूप से, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा। एवं उक्तवत्यपि, ऐसे कहे जाने पर भी, मैं अज्ञानम असंभावयंतम, मुझ में अज्ञान की संभावना नहीं करता, तम अज्ञाने कारणम अवादिशम, वो बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये नहीं जाने, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो जो है ऐसे अज्ञान संभव ही नहीं है, ऐसा उसको लगा। तो मैंने भी अज्ञान में कारण को बताया, भाई क्यों मैं नहीं जानता, किससे सिद्ध होगा कि मैं नहीं जानता, वो मैं बताया। देखो अज्ञाने कारण में नहीं, टीका में दे दिया अज्ञान संभावनायाम कारण, मुझ में भी अज्ञान संभव है, इसमें क्या कारण है, उस कारण को मैंने बताया। क्या कारण बता दिए? यदि कथंचित अहम इमं त्वया पृष्टं पुरुषं अवेदिसम, यदि मैं किसी भी प्रकार से इस पुरुष को जानता होता, पूरी तरह से नहीं, अगर थोड़ा भी जानता होता तो भी मैं बता देता। तो पुरुषम अवेदिसम विदितवान अस्मि, कहम कथम अत अत्यंत शिष्य गुणवते अर्थिने ते तुभ्यं नावक्षम, तो जो अत्यंत शिष्य गुण वाले हो, श्रद्धा से समर्पित होकर के मेरे पास आए हो, शिष्टाचार से पूछ रहे हो, अत्यंत शिष्य गुण वाले हो तुम, अर्थी हो, विद्या के अर्थी हो, तो ऐसे तुम्हारे लिए ते यानी तुभ्यम कथम ना वक्षम, कैसे मैं नहीं कहूँगा, नोक्तवान अस्मि न ब्रूयाम इत्यर्थ, कैसे मैं नहीं कहूँगा, कैसे नहीं बोलूँगा, जरूर मैं बताऊँगा, अगर मुझे ज्ञान होता तो जरूर मैं बताता, लेकिन अभी भी उसको विश्वास नहीं हो रहा है। भूयोपि अप्रत्ययमिव आलक्ष्य, पुनः जो है उसमें अप्रत्ययनी अविश्वास को लक्षित करके, अप्रत्ययमिति अविश्वासम इत्यर्थ, पुनः मैं उसके अप्रत्यय अविश्वास को लक्षित करके, उसको प्रत्ययनी विश्वास हो ही नहीं रहा है, उसको आलक्ष्य प्रत्याये तुम अब्रुवन, उसको विश्वास दिलाने के लिए मैंने कहा। देखो अप्रत्यमिनी अविश्वासम इत्यर्थ, अविश्वास उसमें लक्षित हो रहा है, तो उसको देख करके मैंने उसे कहा। क्या कहा? समूल यानी मूल, सह मूले न वा एसो, वह व्यक्ति मूल के सहित नष्ट हो जाता है। कौन? अन्यथा एसो, अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा कुर्वन, जो स्वयं तो अन्य प्रकार का है और अपने को दूसरे प्रकार से दिखा रहा है ना, है जानता है लेकिन दूसरे अपने आप को बहुत अज्ञानी दिखा रहा है, वह सत्य बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम नानृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातन, सनातन धर्म की मर्यादा है कि सत्य बोले प्रिय बोले, किंतु ऐसा सत्य ना बोले कि जो दूसरे को चोट पहुंचाए, और दूसरे को ऐसा प्रिय भी ना बोले कि जो झूठी हो,
बिना वजह जो है चापलूसी भी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से सनातन धर्म की परंपरा है। इसलिए जो अन्यथा स्वयं होते हुए अन्यथा कुर्वन अनृतम अयथा भूतार्थम अभिवदत, जो झूठ बोलता है अयथा भूतार्थ को बोलता है, यह जो कोई भी बोलता है स परिशुष्यति, सूख जाता है, यानी शोषम उपैति, शोष को प्राप्त यानी सूख जाता है। सूख जाने का मतलब क्या है? यह लोक परलोकाभ्याम विच्छिद्यते विनश्यति, इस लोक और परलोक दोनों से ही पतित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को तो आगे मनुष्य शरीर ही नहीं मिलेगा, परलोक तो बहुत दूर की बात है। अन्यथा संतम का इति का उसकार दे, ज्ञानिनम संतम अन्यथा कुर्वन नि अज्ञानिनम कुर्वन आरोपयन इत्यर्थ। स्वयं ज्ञानी होकर अपने आपको अज्ञानी दिखाते हुए जो बोले यानी दूसरे को बेवकूफ बनाना चाहे, वो दोनों तरफ से जाता है। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा चिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति 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 ही।